अपडेट रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। प्राइम 80 न्यूज चैनल अब नेट विजन केबल नेटवर्क पर 707 नंबर पर उपलब्ध। शहीदी दिवस पर बिश्नाहा में आम आदमी पार्टी के युवा नेता प्रेमपाल डोगरा या दीपक शर्मा द्वारा शहीद आजम भगत सिंह राजगुरु या सुखदेव जी को श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसमें मुखिया तौर प्रतिपूर्व मंत्री यशपाल कुंडल या डीडीसी सुचेत गढ़ टीएन टोनी या पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। आज के दिन भगत सिंह राजगुरु और सुखदेव जी ने जो हंसते हंसते अपने देश की खातिर, देश को आजाद कराने की खातिर जिन्होंने फांसी का फंदा जो है अपने गले में पहनाया और आज जो हमारा आजाद हिंदुस्तान है इसमें कई किस्म की ताकतें हैं जो इसको कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन हम ये कहेंगे आगे ही अंग्रेजों की पॉलिसी रही जो हिंदुस्तान के दो टुकड़े हुए, एक पाकिस्तान और एक हिंदुस्तान, हम ये कहेंगे किसी भी कीमत पर अब हिंदुस्तान के और टुकड़े नहीं होने देंगे। ये एक सेकुलर कंट्री है जहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी आपस में है भाई भाई। तो मैं ये कहूँगा कि जो हमारा संविधान है उसमें हर मजहब को, हर जाति को अपना अपना धर्म मानने की इजाज़त है, अपना अपना जो है वो रास्ता चलने की इजाज़त है, लेकिन अपने अपनी ड्यूटी के लिए भी वहाँ पर उनको दिखाया गया है कि अपनी ड्यूटी और कर्तव्य का भी पालन करते हुए हिंदुस्तान को और आगे ले जाएंगे। तो आज जो शहीदी दिवस है जो हमारे नौजवानों को ये प्रेरणा देता है कि हमारे देश की खातर अगर हमें शहीद भी होना पड़े तो सबसे पहले हमारा देश है, उसके बाद हमारी पार्टियां जाती हैं और उसके बाद हमारा महत्व है। तो देश से बढ़कर और कोई भी बड़ा नहीं है, लेकिन कुछ जो मैं कहूँगा कि ये सियासत जो है प्रॉक्सी जो पाकिस्तान से या दूसरे लोगों से चला जा रहा है, हमारे अंदरूनी जो कुछ सियासतें चल रही हैं हमारे देश को कमजोर करने की कोशिश कर रही है, जिसको हम कभी भी सह नहीं करेंगे। हम तभी ये समझते हैं कि आज शहीदी दिवस का आज हमने प्रेरणा लेना है कि देश की खातिर हमें कुर्बानी भी देने पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे, ये आज हम कहना चाहते हैं। हर वर्ष की तरह इस साल भी बिश्नाहा में जो शहीदी दिवस मनाया गया, जिस पर हमारे आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और हमारे आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर एक्स मिनिस्टर श्री जशपाल कुंडल जी और डीडीसी सुचेतगढ़ श्री तरनजीत सिंह टोनी जी ने हमारे साथ यहाँ पे आकर के शहीदी को जो है वो श्रद्धांजलि अर्पित की है, और जिन्होंने हमारे देश के लिए किसी जाति, किसी मजहब, किसी प्रांत को मद्देनजर रखते हुए नहीं, सारे संपूर्ण भारत को आज़ाद कराने के लिए जो लड़ाई लड़ी है, हम सब जो है इनको शत शत नमन करते हैं, और आने वाली पीढ़ियां भी जो हमारी हैं वो इनके प्रेरित रहेंगी, स्रोत से प्रेरित रहेंगी। और आज हम एक छोटा सा मैसेज देना चाहते हैं कि ये जो कुछ लोग जो हिंदुस्तान में अभी जात पात की जहाँ राजनीति करते हैं, जो धार्मिक राजनीति करते हैं, अगर ऐसा भगत सिंह जी, सुखदेव जी जहाँ और जितने भी शहीद हमारे हुए हैं ऐसा सोचते तो आज भारत जो है आज़ाद नहीं होता, आज हम गुलाम होते। इसलिए मैं अपने सभी साथियों को यही एक बात कहना चाहता हूँ कि हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो हमें तोड़ने की कोशिश करते हैं राजनीतिक अपनी मुफाद के लिए, अपने फायदे के लिए, हमें धर्म के नाम पर, हमें जाति के नाम पर लड़ाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है, बच के रहना है, ताकि हम भगत सिंह जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी की सोच को लेकर के भारत को आगे बढ़ा सके। धन्यवाद।